देखिए, हम लोग तो यही कहते हैं कि छोटे अधिकारियों को सस्पेंड या फिर डिसमिस करने से कोई मतलब नहीं बनता है। कहीं ना कहीं बड़े अधिकारियों के इशारे पे ये काम करते हैं, उनके ये गुलाम होते हैं। ये जो प्रशासन के लोग हैं, कहीं ना कहीं शासन की तरफ से उनको खुली छूट मिली हुई है, तभी तो विधानसभा के अंदर घुस करके विधायकों के साथ मारपिटाई करते हैं, फिर आपको जज को पीटते हैं, उसके बाद में आपको मैं क्या बताऊँ, कहीं शादी समारोह में एक लड़की के रूम में घुस गए, होटल में घुस गए, जबकि महिला पुलिस उनके साथ नहीं थी। और सरकार की गाड़ी को जब रोक दे रहा है प्रशासन, तो फिर यहाँ पर सुशासन है कहाँ? सुशासन तो बिल्कुल चौपट है, खत्म है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज, मैं हूँ अंकिता सिंह। शीतकालीन सत्र का 5 दिन हंगामेदार रहा, खास करके बात कर ले तो सदन के अंदर से ज्यादा सदन के बाहर हंगामा दिखता रहा। मैम, किसी दिन शराब की खाली बॉटलें मिली है, तो कल जो जीवेश मिश्रा के साथ, मंत्री जी जीवेश मिश्रा के साथ हुई, उस पर किस तरह की कार्रवाई की मांग आप करते हैं? देखिए, हम लोग तो यही कहते हैं कि छोटे अधिकारियों को सस्पेंड या फिर डिसमिस करने से कोई मतलब नहीं बनता है। कहीं ना कहीं ये बड़े अधिकारियों के इशारे पे ये काम करते हैं, उनके ये गुलाम होते हैं। तो जो भी कार्रवाई हो, बड़े अधिकारियों पे हो, ताकि विधि व्यवस्था शासन हमारा सुचारू रूप से चल सके। सबसे बड़ी बात ये है कि लगातार प्रशासनिक महकमे की तरफ से एक शिकायतें आती है कि वो लोग किसी को, मतलब मंत्री हो या विधायक हो या आम लोग हो, उस लोग का इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। देखिए, संविधान में जो जनप्रतिनिधि है उनको सर्वोपरि, उनको उच्च स्थान प्राप्त है, क्योंकि वो जनता के प्रतिनिधि होते हैं। और एक आदमी नहीं बल्कि लाखों लोगों के लाखों लोग उनको चुन करके भेजते हैं, तो निश्चित रूप से लाखों करोड़ों लोगों का प्रतिनिधि होते हैं, उनके लिए वो काम करते हैं, उनकी समस्याओं को लेकर के वो सदन में आते हैं, तो उनका मान सम्मान होना चाहिए। और ये जो प्रशासन के लोग हैं, कहीं ना कहीं शासन की तरफ से उनको खुली छूट मिली हुई है, तभी तो विधानसभा के अंदर घुस करके विधायकों के साथ मारपिटाई करते हैं, फिर आपको जज को पीटते हैं, उसके बाद में आपको मैं क्या बताऊं, कहीं शादी समारोह में एक लड़की के रूम में घुस गए, होटल में घुस गए, जबकि महिला पुलिस उनके साथ नहीं थी। तो तमाम ऐसी घटनाएं, कल तो हद ही हो गई कि जब माननीय मंत्री जी की गाड़ी को रोक दिया गया और उनके साथ, मतलब उनकी गाड़ी को रोकने का कोई मतलब ही नहीं है। बिहार सरकार, मतलब सरकार, मंत्री मतलब सरकार, और सरकार की गाड़ी को जब रोक दे रहा है प्रशासन, तो फिर यहाँ पर सुशासन है कहाँ? सुशासन तो बिल्कुल चौपट है, खत्म है। तो ये थी हमारे साथ राजा पाकर की विधायिका प्रतिमा कुमारी, जिन्होंने साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया है कि जो प्रशासन की रवैया है वो बहुत बेहद ही शर्मनाक है। इस तरह से हरकत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लाखों लोग चुन करके यहाँ तक भेजते हैं और जिनका स्थान सर्वोपरि है, उसके बावजूद इस तरह से उनके साथ दुर्व्यवहार करना बिल्कुल अनुचित है। रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।